हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? सहरी टाइम हो चुका है। आज हम सहरी में खाएंगे सब्जी और पराठा, उसके बाद सो गए, अभी जोहर के लिए उठे हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सब के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज सबसे ज्यादा खुश तो भैया रिजा है, क्योंकि जिसका उसे इंतजार था इतने दिनों से, वो टाइम आ गया है। आज उसका फेयरवेल रेडी होने के लिए आ गई है। सामान तुम्हारा, ये उसकी ऊंची ऊंची चप्पल और ये उसकी साड़ी, ये सब सब जब रेडी होगी फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम इजी साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल देख रहे हैं। रिजा भी बहुत सारे देख के आई है, तो भी बांधना शुरू करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। रोज का है फ्रेंड्स, पता नहीं जितना ठीक करो फिर हो जाता है, चलता ही रहता है। यहाँ पे एडिटिंग भी करनी होगी, सौरभ नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? बढ़िया जा रहा हूँ नहाने। इतना तो मुझे पता है कि साड़ी पहनने से पहले ही सैंडल पहन लेते हैं। और ये साड़ी है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं, पूरा करके ही दिखाते हैं, ऐसा दिखा नहीं सकते। ये ऐसा बना लिया है फ्रेंड्स हम लोगों ने। अब हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। देखो सही है, अच्छा हाँ, एकदम नेचुरल। अभी थोड़ी देर बाद ये भी कम हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, हेयर थोड़े ऐसे हो रहे हैं, तो हमने हेयर स्टाइलिस्ट को घर पे बुलाया ताकि वो थोड़े स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि आज फेयरवेल है। कभी कभी लाइफ में आता है तो उसको याद रहेगा। बाकी तो ठीक लग रही होगी आपको, तुम्हें सही लग रहा है? हाँ, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। ये दोनों आउटफिट्स हमारे ड्राई क्लीन होके आ गए हैं, जो हमारे गिव अवे विनर ने जीते हैं। तो एक पार्सल बैग, ये सारी चीजें, ज्वेलरी जा रहा है झांसी, और एक जा रहा है हमारा पार्सल कश्मीर। कांग्रेचुलेशन आप सबको। ये लीजिए, ये भी चिपका दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अभी नहा लिया, अभी टाइम मिला, जब तक रिजा के बाल जो है वो थोड़े ठीक हो रहे हैं तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद हमें बाहर भी जाना है, और फिर रिजा को भी ड्रॉप कर देंगे। कड़कती धूप में बाहर जाना है, और बहुत ज्यादा गर्मी अभी आ गई है, तो अभी मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। और रिसेंटली वाओ स्किन साइंस ने लॉन्च की है न्यू सनस्क्रीन रेंज, जिसमें हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन ले सकते हैं, जैसे कि ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड नॉर्मल टू ऑल स्किन टाइप। और मैं यूज कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस सनस्क्रीन जेल फॉर ऑल स्किन टाइप विद एसपीएफ 55 PA+। ये सनस्क्रीन एनरिच्ड है एलोवेरा से, जो कि एक नेचुरल सन ब्लॉकर है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और इसमें ग्लूटाथायोन भी है, जो कि एक की इंग्रेडिएंट है। ये इवन आउट करता है पैची और पिगमेंटेड स्किन को, और रेडिएंट और ब्राइट सा ग्लो देता है। इसका टेक्सचर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है एंड वाटर रेजिस्टेंट है अप टू 2 आवर्स। इसे आप मेकअप बेस के नीचे भी यूज कर सकते हो, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, और ये नॉन स्टिकी भी है। और इसे लगाने के बाद आपके स्किन में एक भी व्हाइट कास्ट भी नहीं दिखता। ये देता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी है एंड यूवीबी प्रोटेक्शन, प्रिवेंट करता है ब्लू लाइट रेडिएशन डैमेज से, और हमारे स्किन डिहाइड्रेशन को भी मिनिमाइज करता है। एंड इट कंटेन्स नो नेस्टीज लाइक सिलिकॉन, मिनरल ऑयल एंड पैराबेन। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर सनस्क्रीन डेली एंड स्टे ग्लोइंग एंड प्रोटेक्टेड। आप भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन परचेज कर सकते हो, और मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, सबा इब्राहिम 20, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसे buywow.in की वेबसाइट पे जाके परचेज करते हो। मैं सोच रही हूँ जी वाला आउटफिट पहन लेती हूँ। आउटफिट फ्रेंड्स मैंने चेंज कर लिया है, मैंने ये लॉन का आउटफिट पहना है, स्टिच्ड मंगाया था। ऐसा लग रहा है जरूर बताइएगा। आप सही लग रही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाइस। वो बोले जल्दी जल्दी में भी किया। नहीं नहीं, चलते बन रहे हैं। हाँ, भागना नहीं। जैसे हवा चल रही है तो ऐसे बाल उड़ रहे हैं एकदम। नाइस रिजर्व, तुम भी पहन लेना बाद में। खुले नहीं खुलेगी। खोलो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशबू आ रही है। हाँ, रुको रुको, हाँ भी रिजा को देखने, सब लोग आ जाओ। अम्मा आ जाओ जल्दी से। आओ रिजा, कितनी अच्छी शाहरुख ने पहना दी, फिर मेकअप भी कर दी, बस बालों से अच्छी बाल लगने दे। अम्मी साड़ी सही बनाई, तू भी एक बार अच्छी लग रही है। मेकअप सही है, बिल्कुल सिंपल किया है। अच्छे हमने किया है, ये लो। हाँ, बहुत अच्छी। नहीं, उसके है। लेकिन उसे बुलाए हैं कराने वाले को, वो घर आया था तो स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि खुद से करने से नहीं हो पाते वैसे। अच्छी लग रही है रिजा, आज तो पहचान में नहीं आ रही। चलो, बोल तो नहीं रही। आपने सूट बदल लिया, दुबई वाला है ना? अच्छा, सलाम वालेकुम। चलिए, नमाज पढ़ के इफ्तार तो मतलब हमेशा रोज अच्छे से ही होता है, खुशी से ही बनता है। आज थोड़े घर वाले लोग ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फराह खान मैम जो है वो आ रही है भाई के घर पे, तो सब लोग ज्यादा ध्यान से बना रहे हैं।
कुछ गलती ना हो जाए। अम्मी सोच रही है फ्रूट अच्छे से कटे ताकि गंदे ना दिखे। हमने कहा फराह खान मैम आ रही है तो आपको थोड़ा ज्यादा इन लोगों को नर्वसनेस है। इन लोगों ने बड़बड़ी में पूरे चने फैला दिए किचन में। बड़ा सा पार्सल भी आ चुका है, इसमें क्या है हम आपको दिखाएंगे। बेटी मैंने तो कसम खा ली है रोज यही बनाएंगे, कल कुछ दूसरा बनाएंगे। तो मैं फॉर अ चेंज बना ले रही हूँ पनीर के पकौड़े, जो कि बहुत इजी भी होते हैं लेकिन अच्छे भी लगते हैं। फ्रेंड अभी हम लोग निकल गए हैं पनीर लेने के लिए। ये सबसे अच्छा काम लगता है। इतने पतले पतले काटूंगी क्या? हाँ पूछ पूछ तुम्हारे हमेशा निकलती है, कोई चाहे गुलगुला हो चाहे पकौड़ी हो। हम लोग आ चुके हैं ऊपर, इफ्तार का टाइम हो गया। फराह मैम भी शायद आ गई है, सनी प्लीज। तो फिर पता नहीं हम आगे शूट करेंगे या नहीं यहाँ पे, तो सब आप भाई के व्लॉग में देखना। अभी हम इफ्तार के बाद मिलते हैं। अम्मी बोले इफ्तार के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है, मगरिब की नमाज भी हो चुकी है। फराह मैम बाहर बैठी हुई है, मजा आ रहा है। अब बेटी अलग पढ़ेगी, अब पढ़ूंगी। जगह जाओ बाहर, जाओ 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 बाहर, इधर देखो इधर बाहर जाओ जाओ, सब लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज भी हो चुकी है, अब देखते हैं अब क्या करना है। The next day आज फ्रेंड्स मैं अपना ये निकालूंगा इसका। पैसे है ना ये तुम्हारे पास? नहीं खाली है, डाल दीजिए। बैग लेके जाती हूँ हर जगह, अगर कहीं तुमसे किसी ने कह दिया कि 500 रुपए दे दो मुझे, फिर क्या करोगी? तो आप डाल दो ना। ले, मेरे पास 3000 है, 1500 तेरे 1500 मेरे, ठीक है चल। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का लुक, मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज हम बहुत स्पेशल चीज के लिए जा रहे हैं, मतलब हमारे ससुराल वालों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। आज मैंने ये कॉट सेट पहन लिया है, ये बैग ले लिया है और ये चप्पल जो मैंने वेबसाइट से ली थी। रेडी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, बैठी रहो मां, बैठी रहो बैठी रहो। मम्मी अस्सलाम वालेकुम, चलो चलो जल्दी रेडी। हाँ, जल्दी कहाँ जाती है बेटा? आज मैं जा रही हूँ, सनी बताओ कहाँ जा रही हूँ? आज जा रही हूँ ससुराल वाले के सामान लेने। अच्छा भले, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ले लिया नया बैग? हाँ मेरे कपड़ों के साथ जा रहा था, हम ये बैग लाए थे भाई भाभी। अच्छा लग रहा है ना? अस्सलाम वालेकुम, चलो तुम भी। कहा कैसे होगा बेटा अब तारे? हाँ माँ अम्मी उठो, इफ्तार का टाइम हो गया। पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग मॉल, चलते हैं अंदर। चलो नींद आ रही है जी जी। सबसे पहले हम चलते हैं सनी की बाजी के लिए ड्रेस लेने। बैठ क्यों गए, चूज करवाओ। तुम लोग खुश करोगे, तुम हो अम्मी जाके तुम लोग खुश करोगे। तो सब टाइम नहीं बचा है तो रिजा रिहान की हिंदी भी हम आज ही दिला देंगे। तो रिजा को भी हम एक अच्छा सा ड्रेस दिलाते हैं, जो भी उसे पसंद आता है आज वो सब कुछ दिला देते हैं, जो जो उसे चाहिए। 38 दे दो ना उनको ट्राई के लिए। बच्चों के लिए फ्रेंड्स बड़े ध्यान से चूज करना पड़ता है कि वो बच्चों जैसा दिखे, वरना फिर वो बड़ों जैसा लुक आता है। रिजा के लिए भी अच्छा लग रहा है? हाँ ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा और कपड़ा भी अच्छा, ऐसे ही फैब्रिक चाहिए रहता है और इसका दुपट्टा भी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल रहे हैं बीबा से, क्योंकि ना ही बाजी के लिए जो चाहिए था उसका साइज मिल पाया और ना ही रिजा का साइज मिल पाया, अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं सामने डब्लू का ही फ्रेंड्स विशफुल ब्रांड है। विशफुल में थोड़े पार्टी वेयर मिलते हैं और डब्लू में थोड़े कॉटन टाइप के। यहाँ पे बहुत ही अच्छे कपड़े मिले, हम सबको यहाँ से ही सब कुछ मिल गया। कोई भी ले लो, ये ले। अरे तो कोई भी शालू भी चूज करेगी ना? अरे उसने बोला कोई भी ले। हाँ तो मुझे सच में कलर का वो नहीं है। हाँ तो कलर अच्छे ही चूज कर, वो बेचारी मैं जो चूज करती हूँ वो ले लेती है। अपना खुद की चॉइस नहीं है। हाँ तो उस कपड़ा मैंने बता दिया। तुम अपने लिए देख रही हो? काम करो, तुम भी अपने लिए कपड़े यहीं से ले लो, एक ले लो एक। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, एक ले लो, मैं तुमसे कहा था दिला दूँ, एक ले लो। यहाँ पे चप्पल भी कितनी अच्छी, लेकिन मैं सनी से वादा कर चुकी थी कि मैं ईद में अब चप्पल ले लूँ। ले सकती हो? बताओ कौन सी लोगी? ये दोनों नहीं मिलेगी तुम्हें? क्यों नहीं? नहीं तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी, ले ले मछली वाली। मछली वाली? हाँ तो मछली की मुँह है ना, चाहिए ये। ये बेचारा एकदम थक चुका है, पक चुका है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारी भी ईदी मिलेगी। अकाउंट खाली कर दूंगा आपका। आधी शॉपिंग तो तुम्हारी हो गई, पूरी हो गई। ये भी महंगी होंगी, क्या करेगा? अच्छी लग रही है, अच्छी है। हमारा बस है जिंदगी भर एक ही पैटर्न पहनोगी। सालू वो मिलेगी नहीं, रख दे भाई जल्दी से। दाल के लाई हो या खाली उठा लाई?
निकलते वक्त सनी भाई थोड़े पैसे डाल दिए वरना मैं खाली लेके आ गई। फ्रेंड्स इसलिए पता है हमें पता नहीं चलता बाहर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, जो हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं बड़ी बड़ी चीजें करते हुए, इसका मतलब यही कि अंदर भी वैसे ही है। और क्या पता कोई नॉर्मल सी पोटली ली हो उसमें लाखों रुपए हो, तो मतलब कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज। क्या होता है नेवर जज अ बुक बाय कवर। साथ में ऐसे लुक में आई हो तो अम्मी के लिए तुम दुबई वाली लग रही हो, दुबई का बैग टांग है था इसलिए। अम्मी को ऐसा लुक बहुत अच्छा लगता है, अम्मी कहती है कॉट सेट्स पहना हो चुकी है बहुत सारे लोगों की शॉपिंग यहाँ से, अब चलते हैं कहीं और। कौन सा लोग पिंक लोग या लोग तो हम आ चुके हैं फ्रेंड्स लाइफ स्टाइल, यहाँ से लेते हैं हम अफरोज के लिए ड्रेसेस। अब भैया रेहान की बारी, यहाँ पे कुछ शायद डिफरेंट ट्रेंडी मिल जाए। तुम्हारे तरह के पैंट है इधर, मेरे तरह के पैंट में यही लेने आया था, मुझे ब्लैक चाहिए। तो नहीं आप भी ले लो फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, इसे कोई भी पहन लेता है बहुत क्लासी लगता है। वो लेके जाएंगे कहाँ पे रखी हुई शर्ट, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा रखी हुई। तो अभी हम आ गए रेहान के लिए शॉपिंग करने के लिए और मुजम्मिल के लिए। सनी ये निकू भैया फ्रेंड्स सही टाइम पे घर आए हैं, जल्दी जल्दी बस अभी जाके हाथ हाथ धोते वजू करते चले तो भैया अम्मी। हाँ वो लोग तो ऊपर ही होंगे अभी से। हाँ चलो ऐसे चलते कसम खाई, अम्मी ने मेरी कसम खाई कि हम दोनों मीठा नहीं खाएंगे, तो मैंने तो नहीं खाया, उन्हें अम्मी की प्लेट से भी गुलगुला ले लिया, तो अम्मी बोल रही गुलगुले की नहीं गुलगुले कोई कसम नहीं होती। ये कसम है कितनी देर की या कितने दिन की? हमेशा की भाई, मतलब जब तक हम दोनों ईद तक तो अम्मी क्या मुझे मर जान से मर मारेंगी क्या? तुम भी? नहीं नहीं मैंने नहीं खाया ना, तभी तो भाई मुझे ध्यान आया। सनी तुम्हें लगता है कि शालू नहीं खाएगी छुएगी नहीं, तुम्हें लगता है? सच बोलना ईद में खाएगी कसम, तभी तो जब मतलब सारी चीजें करके देख ली, जब लगा जब कुछ नहीं हो सकता तो फिर अम्मी की कसम खा ली ना भाई, तभी तो दोनों ने आपसी सहमति से खाई अम्मी। लो अपना खा लगा हाँ गुलगुला खा सकते हो। इफ्तार के बाद हम लोग अभी वाला पानी पी रहे हैं हेल्दी वाला फ्रेंड्स। तो हमारी इफ्तारी सब कुछ हो चुका था, भाई के ब्लॉग में देख ही चुके होंगे इसका, कल आ चुका होगा ये ब्लॉग कि फोन मिलने वाले हैं भैया, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग भी जाके कमेंट करेंगे अगर हम लोग का नाम आ गया फिर तो हम लोग को भी मिलेगा ही मिलेगा। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, सीरियस मत लेना, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, आप ही लोगों को मिलेगा। तो सबकी शॉपिंग हो चुकी है, अम्मा की बची है मतलब सनी की अम्मी की, मतलब जो मेरी सासू अम्मी है उनकी अम्मा की। तो चलो हम भी हम इसलिए अम्मा नहीं बोलते व्लॉग में क्योंकि सब कंफ्यूज होते हैं, एक अम्मा दो अम्मा, तो सासू अम्मा बोल दिया करो ना। अम्मा लेकिन आज कुछ भी, लेकिन तुम्हारा बैग नहीं हट रहा होती जब से तुमने लिया है, पूरे लुक कम्प्लीट होता है ना, पन्नी निकाल ली है मॉल में पूरा अलग। मैं खुद कह रहा हूँ सनी बुरा मान गया अम्मा, बहुत चाह तुम्हें। चलो चलो बेटी खड़ा तुम्हारा भी ईद का दिला दे, रमजान का था कुछ रेडीमेड ले लेना। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अभी वाली शॉप पे, यहाँ से लेंगे हम कपड़े। अच्छा ये मेरी पसंद का एक बार ले लो। बोलो भाई बोल, शर्मा क्या बस हो गया अपना ऊपर वाला कलर निकाल। सभा का जहां, सभा का जहां उसमें आओ तुम पक्का हो। इनका नहीं काटना ठीक है, इनका काटना नहीं बिजनेस। रेडी खाने के लिए हमको रेडीमेड चाहिए, थोड़ा पार्टी वेयर टाइप। किस कलर का पसंद का कलर है कपड़ा? तो यहाँ से भी सब कुछ हो चुका है फ्रेंड्स, अब चलते हैं लड़कों की शॉप पे। नहीं पजामा तो व्हाइट का बनेगा, कॉटन का व्हाइट। तो ये हो गया पापा का, ये यूसुफ भाई का, ये यूसुफ भाई का, ठीक है। लड़कों के सारे कपड़े एक से लगते हैं। चलो जल्दी चलो भैया, अब सब हो गए, बचे शाद और समीर भाई। चल जल्दी उतर, कुर्ता पजामा ले अपने लिए, जो पसंद हो वो ले ले।
सॉफ्ट मटेरियल है, अंदर से छुपने वाला कपड़ा कोई नहीं। मुझे पता है तू भागेगा वहीं पीले वाले में। ये वाला इरशाद का, ये वाला समीर भाई का। थैंक यू समीर भाई। बेटी खाला ये आपकी चाहिए। सनी लोग वहाँ पे कुर्ता लेने के लिए बाहर उतर गए थे, तो हम लोग क्या है कि आगे बढ़ गए, पार्किंग नहीं थी तब तक हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं। कब से अम्मी चाय नहीं पी ऐसे बाहर की ना, बहुत दिनों से बेटा, बहुत दिनों बाद आज मिली। मजा आ रहा है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत ट्रैफिक है। टोपी लेना है, ले ले, चले खिला दिया अम्मी। हम लोग सब कुछ लिया, अम्मा का झोला फिर भूला है। अम्मा का झोला लाते नहीं, सीरियसली फ्रेंड्स, यूट्यूबर होने की बड़ी है परेशानी है कि कोई आपकी बात यकीन ही नहीं करता। बाकी सामान बाद में, पहले इरशाद का कुर्ता पजामा, टोपी देखो तुम लोग। अरे वाह, टोपी लगा के तो दिखा इरशाद। अच्छा अच्छा हो गया ना, और कुछ भी चाहिए तो बता देना इरशाद। चप्पल इरशाद से गांव तो बता दो सबको, कहाँ से? गोरखपुर का, शादी हो गई है, लड़की भी हो गया दे रहा हूँ। हम झोला लेके दी, अच्छे झोला ये भाई लड़की ने, उनने कहा कि अभी अम्मा का बताया ना झोला, बताओ कहीं है, अब बता देखा कि नहीं देखा तू झोला, नहीं सिखाओ है झोला। हम लोग खरीद रहे थे तो ये लोग बोलते हैं जल्दी घर चलो, अभी नहीं लेना झोला। मैं झोला भी नहीं ले पाए कल आपका, लेकिन बहुत अच्छा सूट लेके आए एकदम हीरोइन वाला। अभी समीर भाई का भी तो देख लो, समीर भाई देख लो, कॉल करना पसंद है। रिजा का देख लो बेटी खाला, सबकी शॉपिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे, जल्दी जल्दी आप सबको भी दिखा देते हैं, बस बहुत जल्दी हम लोग थक गए। ये है भैया रिजा का, रिजा लोगों की ईदी मिल गई भैया अभी से, यही ईदी है। अब रिजा थोड़ा थोड़ा सूट भी पहनने लगी है फ्रेंड्स, स्टोल भी लेती है इसलिए उसको ऐसा दिलाया। और दुपट्टा देखो कितना अच्छा है बेटी खाला, जैसे रिजा को एकदम सॉफ्ट चाहिए होता है। ये उसका पैंट है, अब पता नहीं रिजा इसका दुपट्टा लेके नहीं दूसरा ले, सारे संभाल लेते हैं, दुपट्टा नहीं संभाल सही पिन, रिजा इसे फोल्ड करके और ऐसे ना पिन लगा लेना, बहुत प्यारी लगेगा, इतना प्यारा लुक लगेगा। और ये वाला सूट है मेरी नन का, मतलब सनी की बाजी का, और ये वाला है जो मैंने तुम्हें दिलाया ईद के लिए, ये सनी ने ईद के लिए दिलाया हमारे लिए। फ्रेंड्स आपको कलर कैसा लग रहा है आप बताना, और आप लोग ईद में कैसे कलर पहन रहे हो इंशाल्लाह वो भी बताना। वो अपना पैंट ही देख लिया है, सलवार का पैंट है, ये है। हो गई रेहान की ईदी, रेहान अपनी ये जैकेट लेके आया है, टी शर्ट लेके आया है, और ये क्या है, ये लोअर भी लाए हो क्या? इतनी सारी चीजें, सारी क्या चीज लाए हो? ये वाले सूट्स हैं सनी की अम्मी के, मतलब मेरी सासू माँ के, अम्मा के पसंद है, ऐसे दोनों ही हमारी पसंद के, उनको सिंपल पसंद है। ये है सनी के इकलौते जो भांजे, मुजम्मिल के कपड़े। किसकी शर्ट है यहाँ पे? मैं कुछ नहीं लेता, मैं मैंने चूज की है, तुम्हारे चूज करी हुई है। ये ड्रेसेस है फ्रेंड्स अफरोज के, मेरी भांजी के, ठीक। ये देखो ये किसका है, ये देखो ये जो लड़की बनी है ऐसी लगेगी अम्मा, दुपट्टा तो देखो कितना फ्रेंड्स मुलायम लॉन का दुपट्टा है। ये वाला गाना गाई उड़ी उड़ी जा, अपनी अम्मी का भी तो देख लो, देखो सबसे खूबसूरत तो बेटी खाला लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शॉपिंग पूरी डन हो चुकी है, अब किसी को कुछ नहीं बाकी रह गया, एक का बचा है, किसका? वो फिर स्पेशल होना चाहिए फ्रेंड्स। वो आफरीन ना, आफरीन अब्बा जुमा, जिसके हम एग्जीबिशन में गए थे आज, उनके तरफ से हमें बहुत सारी इफ्तारी आई थी, अम्मी के लिए भी आई थी और हमारे लिए भी आई थी, थैंक यू सो मच आफरीन। और ये प्यारे से गिफ्ट भी आया आफरीन की तरफ से, थैंक यू सो मच आफरीन। अम्मी देखो बॉटल में खजूर भी है, डॉक्टर साहब आ चुके इंजेक्शन के लिए, चलो जल्दी, हाँ चलो जल्दी जल्दी। रोहान भी गुम्मी करने आया है नीचे, फ्रेंड्स व्लॉग को हम करते हैं एंड। और जो आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं चैलेंज के बारे में, काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि दोनों को जीतना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि रेहान बिल्कुल भी नहीं हिला, और कुछ कह रहे हैं कि रिजा एक लड़की होके इतनी देर बैठी रही, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, पोल रखना चाहिए या फिर मुझे लगता है दोनों को ही जिता देना चाहिए। बस इंशाल्लाह कल प्लान किया है घर वालों के लिए और कुछ बच्चों के लिए स्पेशल इफ्तारी, तो उसका व्लॉग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हम सबको दुआ में याद रखिए, हम सबको आपके लिए दुआ करते हैं।